मैं डॉक्टर रक्षित अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ संजीवनी अस्पताल की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। आज कुछ विशेष बातें कैंसर के बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा। कैंसर एक वंशजात बीमारी नहीं है, पर अगर हमारे माता पिता या किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, भाई या बहन को कैंसर हो तो उसको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी फैमिली के अंदर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिससे कैंसर का ट्रांसमिशन होता है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आदि। इसमें हमारी जिम्मेदारी व फर्ज बनता है कि हम अपनी जांच अस्पताल में जाकर कराएं, समय समय से कराएं। भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर की जांच अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। हमारे भारतवर्ष के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर मतलब मुंह और गले का कैंसर, लंग कैंसर, औरतों में विशेषकर से ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी का कैंसर। अब इसकी कुछ एक विशेषताएं हैं इन कैंसर्स की। मुंह के कैंसर के अंदर आपको किसी तरह की गांठ व जख्म हो सकता है जो कई दिनों से ना बढ़ता हो। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर निप्पल से डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट के शेप में बदलाव आना, गांठ लंबे समय से गांठ होना जो जल्दी से बढ़ रही हो, वह वजन का तेजी से कम होना, ये कुछ कैंसर के लक्षण हैं। सर्वाइकल कैंसर के अंदर मेंसेस का इरेगुलर होना, बार बार खून का निकलना, सफेद पानी निकलना, वजन कम होना, ये कुछ सर्वाइकल कैंसर की निशानियां हैं। हमें जरूरत है कि हम इन निशानियों को जल्दी समझ सके और डॉक्टर के पास अपनी जांच कराने जा सके, ताकि इस बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके और इसका इलाज किया जा सके। ऐसा मानना है कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, कैंसर होने के बाद कोई बचता नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। हाँ, ये जरूर है कि कैंसर का इलाज लंबा होता है, पर हमें अगर हम कुछ प्रिवेंट करें, पहले से कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी जो बीमारी को जल्दी पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। धन्यवाद।